अभी अभी बहुत बुरी खबर निकल के सामने आ रही है गाइस, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन बहुत मुझे दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, और शायद ये सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा झटका लगेगा, बहुत दुख होगा और बहुत ज्यादा आपको भी निराशा होगी, और हमें भी ये जान के बहुत ज्यादा निराशा हुई। जो सारा देश दुनिया भर में जिसकी कहानी और जिसकी दोस्ती की मिसालें दी जा रही थी, जो इतना ज्यादा पूरी देश भर में, यहाँ तक कि पूरे देश में नहीं हमारे विश्व में भी जो इतना ज्यादा वायरल हो चुका था, जिसकी दोस्ती की मिसालें लोग दे रहे थे और जिसकी दोस्ती की मिसाल दुनिया भर से लोग देखने आ रहे थे, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े व्लॉगर इसको यहाँ इस गांव में इस सारस को पक्षी को देखने आ रहे थे, इसकी दोस्ती की मिसाल देखने आ रहे थे। ये कैसा सारस पक्षी है जिसको इंसान से इतनी मोहब्बत है कि वो इंसान को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, ऐसी वो कौन सी मोहब्बत है। तो लोग बहुत ज़्यादा अचंभित थे, लोग जानना चाह रहे थे आखिर में कैसे एक सारस पक्षी, एक पक्षी की और इंसान की मोहब्बत हो सकती है। तो इतना ये वायरल हुआ दोस्तों कि आप जान रहे हो जहाँ अच्छे लोग होते वहाँ बुरे भी होते। तो फाइनली जिस बात का हम लोग को डर था वो आखिर में सच ही हुआ, आखिर में आज इसको वन विभाग वाले ले जा रहे हैं। दोस्तों ये कितनी बुरी खबर है, आप सबको भी बहुत ज़्यादा मायूसी होगी जान के। तो गाइस मुझे भी कमेंट करके लिखना आपकी इस पर क्या राय है, क्या वन विभाग वालों ने सही किया। मेरी तरफ से तो उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया, ये कहाँ करने आए हैं कि माना कि क्या बोलते हैं, ये एक पक्षी है, इनके पास ज़ुबान नहीं है, और लेकिन इनका भी ये अधिकार है कि ये किसके साथ रहना चाहे और किसी व्यक्ति को ये चुनना चाहे, तो इनको भी अधिकार मिलना चाहिए कि इनको भी किसी से मोहब्बत करे और लोग इनसे भी मोहब्बत करें, ना कि इनको चिड़ियाघर में ले जाके लोगों का तमाशा बनाए और 100 लोग इनको तमाशा लगा के देखे। तो मतलब कहते हैं ना, इन्होंने वन विभाग वालों ने बहुत गलत किया, एक दोस्त को एक दोस्त से बिल्कुल जुदा करके, जुदा करने का पाप क्या होता है वो एक दोस्त से ही पूछना। तो आरिफ भाई हमारे बहुत मायूस है, बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, अब उनका क्या होगा, उनका जो YouTube चैनल था इसी वजह से वायरल भी हुआ, ना जाने कितने यूट्यूबर से पहुँच के उन्हें व्लॉग बनाया और देश भर में वायरल भी हो गए। तो बहुत दुख की घड़ी है गाइस कि सारा पक्षी हमारा आज जा रहा है, चला जाएगा, वन विभाग इसे ले जा रहे हैं। तो गाइस अब कमेंट करके ज़रूर इस पक्षी के बारे में दो शब्द ज़रूर लिखना।